साई प्रणाम सिटीवन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सैकड़ों फरियादियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम, सीएम योगी ने जलाया पहला दिया, शहीदों के चित्र पर किया पुष्पार्चन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा पौराणिक इतिहास रखने वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का आगामी 15 जनवरी को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। भाइयों के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य व मंगल कामना को लेकर बहनों ने किया भगवान गोवर्धन का पूजन अर्चन। छठ पर्व को लेकर सूपा व दौरी की सजने लगी दुकानें, विभिन्न जिलों से आए व्यापारी। पिपराइज पुलिस ने जालसाजी करने और अवैध तरीके से शराब का निष्कर्षण व व्यापार करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और नवीन महेवा मंडी में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मंडी सचिव व चौकी प्रभारी ने पैदल भ्रमण कर व्यापारियों से की अपील। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के समक्ष दूर दराज से आए हुए फरियादियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और मौजूद संबंधित कार्यों को फरियादियों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं महिला फरियादियों के साथ आए हुए उनके बच्चों को लाड़ प्यार कर उनमें चॉकलेट का वितरण भी किया। इस अवसर पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, आईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। दीपावली के अगले दिन सोमवार को शहीदों की याद में गोरखनाथ मंदिर रोशनी से नहा उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भीम सरोवर के समीप दीप जलाकर और मुक्ताकाशी मंच पर शहीदों के चित्र पर पुष्पार्जन कर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंदिर परिसर में लगभग 11,000 दीपों को जलाकर शहीदों को नमन व याद किया गया। मंदिर परिसर के मुक्ताकाशी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष देशभक्ति व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर केंद्रित गीतों नृत्य की प्रस्तुति ने जोश का संचार किया। इस प्रस्तुति पर सीएम योगी बेहद भावुक नजर आए और कलाकारों का उत्साहवर्धन भी उन्होंने किया। कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। समेत कर फिर उतर हुई बाजरिया बिखर गए थे सारे।
लड़ती रही, अंतिम सांस तक और सफलता उसके हाथ लगी। आजादी की थी चाह मन में और वह आजादी घर लौट गई। आज हम उस चिड़ियों को गर्व से भारत बुलाते हैं और सेना का ध्वज हो जाता है जब हम भारतीय कहलाते हैं। भगवान अगर आपकी पैर से वो पाथर छुआए तो मेहरारू बन गई, नहीं तो हमारे काठे कराए और सुकुआर बा। अरे कथा हुआ के नहीं सुकुआर हो बतिया हमारे प्रभु मानी, कथा हुआ के नहीं सुकुआर हो यो हुआ के नहीं सुकुआर हो। कहे से कुचात वाली बात मोरा मानी, क्या बात है, तुरंत उतार दई में पार हो बतिया हमारे प्रभु मानी, तुरंत उतार दई में पार हो बतिया हमारे। अरे ही कमाई से हो लैका दियाई, यही कमाई से हो लैका, रेलवे मंत्रालय द्वारा अपने पुराने इतिहास रखने वाले विभिन्न रेलवे स्टेशनों का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में प्रमुख स्टेशनों में अपना अहम योगदान रखने वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि 15 जनवरी 1805 में अस्तित्व में आया था, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा आगामी 15 जनवरी को गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस आयोजन के पीछे पूर्वोत्तर रेलवे का उद्देश्य है कि स्टेशन की महत्ता और इतिहास के बारे में यात्रा करने वाले यात्रियों को जानकारी प्राप्त हो सके। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया, हमारे स्टेशन से काफ़ी पुराने हैं और उसका ऐतिहासिक महत्व भी है, इसको ध्यान में रखते हुए स्टेशनों का स्थापना दिवस मनाया जाना है। सबसे पहले जो प्रमुख स्टेशन हैं उनका स्थापना दिवस मनाए जाने की प्लानिंग की जा रही है, उसमें गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो कि 15 जनवरी 1885 में अस्तित्व में आया था, तो 15 जनवरी उसका डेट होगा जो माना जाएगा स्थापना दिवस का। तो उस दिन कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे स्टेशन पर, जिसमें जैसे कि केक कटिंग हो गया, नुक्कड़ नाटक हो गया, प्रभात फेरी हो गई, फोटो एग्जीबिशन हो गया, तो इस तरह के प्रोग्राम किए जाने का जो है एक खाका बनाया जा रहा है, एक योजना बनाई जा रही है। इससे जो यात्री हैं वो अपने स्टेशन के बारे में जान सकेंगे, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में जान सकेंगे, कैसे उसकी जर्नी रही, किस प्रकार से स्टेशन में बदलाव हुआ उसके बारे में जान सकेंगे। तो इससे जो इस प्रकार के जिज्ञासु लोग हैं यात्रियों में, जो अक्सर जानना चाहते हैं कि स्टेशन कब इस्टेब्लिश हुआ, कैसे कैसे इसमें नए चेंजेज आए और किस प्रकार से इसमें अभी आने वाले समय में और नए चेंजेज आएंगे, इन सभी चीज़ों को दर्शाया जाएगा, जिससे एक जागरूकता लोगों में बढ़े। दीपावली पर्व के बाद गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस पूजा में बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य व मंगल कामना के लिए व्रत रखकर भगवान गोवर्धन की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करती हैं। पूजा के दौरान व्रती बहनें भाइयों की दीर्घायु के लिए भगवान गोवर्धन को चना, लाई, भूजा, मिठाई, सुपारी, फल फूल आदि को चढ़ाकर भगवान गोवर्धन से भाइयों की दीर्घायु की कामना करती हैं। चल जाए हमारा आज बारह खाए।
पता ना ठीक बात। तो पंडित जी कहना हम मांग के लिए इनी हाँ मर्दे का जात तो तू तीन गो खाई अब दू गो खाई हम तीन गो खाए तू दू गो खाइए कहती हम धोवनी है पिसनी है कुटनी है तो हम दू गो खाई हम तीन गो खाए तू दू गो खाइए। तो पंडितवा कहल तो मानी नहीं तो ऐसे बढ़िया चुपचाप पता के ना पवे बोले सोलह पंडित कहिया सोचे बोलब हम तो हम दू गो खाई अब पंडितवा सोचल बोलब हम तो हम दू गो खाए तो दोनों ना बोलत हूँ पंडितवा सुतर बान सब मर गए न सब गाय सब केवाड़ी उवाड़ी टूट उड़ के निकल न सब पंडितवा कहते डोकी रहना है डोका रहना ना डोका पीछे इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए व्रती बहनों ने बताया आज गोवर्धन पूजा है और भैया के उम्र के लिए व्रत बहन करती हैं और यही सब है। क्या महत्व होता है इस पूजा का, पूजा करने से क्या लाभ होता है? भाई का आय बढ़ता है पूजा करने से, व्रत इसीलिए रखा जाता है भैया दूज का। पूजा किस तरह से आप लोग करते हैं, क्या क्या करते हैं पूजा में और किस क्या क्या चढ़ाते हैं? वो सब काटा का सारा सामान रहता, पूजा का सब सामग्री रहता है सारा आइटम, पूजा ये करते वो रुई का बनाकर आई जोड़ा जाता है भैया के लिए। क्या क्या लगता है इस पूजा में, मतलब गोबर देखा हूँ मैं, कई आइटम का क्या क्या वो चना सरसों है चावल है ऐपन है अगरबत्ती फूल कपूर माला मीठा बहुत ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। भाई के लिए व्रत रहते हैं, भाई की आयु बढ़े रहे और क्या, ये सब के चना रहता है सुपारी रहता है पान का पत्ता रहता है सरसों रहता है पूजा करते हैं उसी का, पान का पत्ता सुपारी अगरबत्ती कपूर रहता है मीठा रहता है फल रहता है। भाई के उम्र के लिए पूजा ये जब अगरबत्ती सुनगा दो कपूर सुनगा दो उसके बाद काटा वोटा सब फेंको उनके ऊपर भगवान का गोधन बाबा का नाम लेके उसके बाद मिठाई चढ़ाओ केरा चढ़ाओ सेव चढ़ाओ अगरबत्ती चढ़ाओ जो चीज़ है जो चीज़ चढ़ा दो और उसके बाद रुई में आए जोड़ दो भाई का नाम लेके और रुई का नाम लेके उसमें चढ़ा दो भगवान से गोड़ धर लो कि भगवान हमारे गोधन महाराज हमारे भाई को अकिल बुद्धि शिक्षा दीजिएगा हमारे भाई को रोजी पूजी बढ़ंती दे दीजिएगा और लंबी उम्र दे दीजिएगा उसको अकिल बुद्धि दे दीजिएगा मेहरारू उसका सुंदर दे दीजिएगा कि उसका खूब सेवा सत्कार करे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। आगामी छठ पर्व को लेकर व्यापारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि पूर्वांचल सहित आसपास के जिलों में छठ पर्व की विशेष महत्ता है, ऐसे में बड़ी संख्या में महिलाएं छठ का व्रत रखकर अपने परिवार की मंगल कामना करती हैं। इसी को देखते हुए छठ पर्व में लगने वाले सूपा दौरी आदि की दुकानें अब सजने लग गई हैं।
विभिन्न जिलों के व्यापारी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे दुकान लगाकर ग्राहकों का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए व्यापारियों ने बताया। मुंशीपुरा से यहाँ दौरी सुपेली का दुकान है सर। क्या स्थिति है? छठ का पर्व है क्या? हाँ, छठ के त्योहार ही पर हम लोग दौरी सुपेली बेचते हैं। बिक्री का क्या स्थिति है? बिक्री की स्थिति एकदम डाउन है। 100 रुपया दौरी बिक रहा है और 15 रुपया सुपेली बिक रहा है। हम लोग कहाँ से लाएंगे सर? मतलब कितना बेचना चाहते हैं आप? हम लोग किसी तरह से 30 से ऊपर बिके, 1-2 रुपया तब हम लोगों को कुछ मिलेगा। कस्टमर का माल कितना है? माल तो बहुत ज़्यादा है सर। बिक्री नहीं है? बिक्री नहीं है। मऊ से दुकान किसी का लगा है? दुकान वहाँ हमारा है। किसी का दुकान लगा है? दौरी डलिया का है। क्या स्थिति है बिक्री की? स्थिति डाउन है। कस्टमर की मांग है? कस्टमर मांग नहीं रहा है, डाउन है बिल्कुल। बिक्री नहीं है? हाँ, हो सकता है वापस चला जाए। अभी तो छठ आने बहुत दिन है, अभी 3-4 दिन और है, देख लिया जाएगा। नहीं बिकेगा तो माल वापस चली जाएगी। गिरा है माल? ये गिरा है 12 तारीख से। कितना माल गिरा है? अरे यहाँ सुबह तक कम से कम 50,000 माल है। कितना बिक्री हो चुका अभी तक? अभी तो कम से कम 10-15,000-20,000 की बिक्री हो चुकी है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत पिपराइज थाने की पुलिस ने जालसाजी करने और अवैध तरीके से शराब का निष्कर्षण व व्यापार करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर नीरज यादव, सह अभियुक्त तूफानी व पुष्पा देवी के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना पिपराइज द्वारा 3 अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके नाम नीरज यादव, पुष्पा देवी व तूफानी है। ये कई बार जेल गए हैं और शराब के अवैध शराब निष्कर्षण के मामलों में इनकी गतिविधियां रही हैं। इनकी अवैध संपत्ति की भी जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पाई जाएगी उसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किया जाएगा। मंडी समिति द्वारा आगामी छठ पर्व को देखते हुए आम जनमानस को जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मंडी सचिव रचित राम वर्मा, मंडी चौकी प्रभारी के साथ नवीन महेवा मंडी परिसर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण, सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को व्यापारियों से हटाने का आग्रह कर मंडी परिसर में जाम की समस्या से निजात दिलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने गाड़ियों को सड़कों पर ना खड़ी करने की अपील भी की। बढ़ जाती है कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मेन रोड को तत्काल हटा लें। जो भी हमारे पीआरटी के जवान एवं उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के जवान
कारण है जो इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए नवीन महेवा मंडी के सचिव रचित राम वर्मा ने बताया। छठ का त्यौहार जो है ये थोड़ा यहाँ पर मंडी में भीड़ बढ़ जाता है। प्रयास किया जा रहा है कि ये इधर से प्रवेश करें मेन गेट से और पीछे बंधे के रास्ते से निकल जाए, क्योंकि इधर मेन रोड पे फ्लाईओवर बन रहा है जिससे आने जाने में असुविधा हो रही है। तो व्यापारियों को एवं आम जनता को ये बताया जा रहा है कि इधर से आइए और उधर पीछे से निकल जाइए और मेन रोड पर कोई जो है वाहन ना खड़ा करे, अपना सामान खरीदे और कहीं साइड में गाड़ी लगा करके उसको अपना सामान लेकर सीधे पीछे रास्ते से चले जाएं। यही सब लोगों को बताया जा रहा है, पीए सिस्टम से भी इसको बताया जा रहा है। जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको सुविधा के लिए उनको यही बताया जा रहा है कि देखिए आप लोग अपनी जो भी सामान क्रय करने जाएं, अपना गाड़ी है इत्यादि है अपना देखते हुए, अपना अपने सुरक्षा को देखते हुए जो है उसको रख कर कहीं खड़ी करके जाएं, मेन रोड पर ना खड़ा करें जिससे आने जाने में कोई असुविधा ना हो। ये मंडी कितना जिला कवर करता है? मंडी देखिए ये बाहर के भी व्यापारी इस समय ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अनेक प्रकार के फल इसमें बढ़ जाते हैं जो मंडी में नहीं आते हैं। काफ़ी मात्रा में कुछ ऐसे फल आते हैं बाहर से जो यहाँ मंडी के समय या और दिनों में नहीं बिकते हैं, तो ये बाहर के लोग भी आते हैं, अन्य जनपदों से आते हैं, कुछ बिहार साइड से बिहार के लोग भी थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो ये कई जिलों को इधर पूर्वांचल में कवर करता है। क्या कहना चाहेंगे कि ग्राहक जो आएंगे आपके? हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि देखिए जो भी ग्राहक आए वो अपना सामान लें और किनारे अपना जो है, मेन तो समस्या जाम की होती है। इस समय जो फ्लाई ओवर बन रहा है उसकी वजह से आने जाने में थोड़ा असुविधा है। हम तो यही बार बार पीए सिस्टम से प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को कि इधर से आएँ वन वे, मतलब जो इधर से आएँ उधर पीछे के रास्ते से निकल जाएँ ताकि किसी को आने जाने और मेन रोड पर गाड़ी ना खड़ा करें। दिन में बस इतना ही, आइए नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जनता दर्शन में सैकड़ों फरियादियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी फरियाद। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम एक दिया शहीदों के नाम, सीएम योगी ने जलाया पहला दिया, शहीदों के चित्र पर किया पुष्पार्चन। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने दी जानकारी, कहा पौराणिक इतिहास रखने वाले गोरखपुर रेलवे स्टेशन का आगामी 15 जनवरी को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। भाइयों के दीर्घायु उत्तम स्वास्थ्य व मंगल कामना को लेकर बहनों ने किया भगवान गोवर्धन का पूजन अर्चन। छठ पर्व को लेकर सूपा व दौरी की सजने लगी दुकानें, विभिन्न जिलों से आए व्यापारी। पिपराइज पुलिस ने जालसाजी करने और अवैध तरीके से शराब का निष्कर्षण व व्यापार करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। और नवीन महेवा मंडी में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मंडी सचिव व चौकी प्रभारी ने पैदल भ्रमण कर व्यापारियों से की अपील। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।